अहम खबर दें आपको कि कंदील बलोच कत्ल केस में मुलजिम वसीम और हकनवाज के इंकशाफात का सिलसिला जारी है। मुलजिमों ने इंकशाफ किया है कि कत्ल का मंसूबा कंदील के सऊदीया में मुकीम भाई आरिफ ने बनाया। कत्ल की वारदात के वक्त उनके साथ 5 अफराद थे जो घर के बाहर पहरा देते रहे। इसी बारे में मजीद जानते अपने नुमाइंदे जहीर अब्बास से। जहीर बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं। जो पुलिस राय है उनके मुताबिक मुलजमान की जानब से जो है वो इंकशाफात का सिलसिला जारी है। जो नया इंकशाफ सामने आया है वो मुलजमान के मुताबिक जो ये कत्ल का सारा मंसूबा था ये बैरून मुल्क बनाया गया। जो बैरून मुल्क सऊदी अरब में मुकीम मकतूला कंदील के भाई आरफ थे उन्होंने ये सारा जो है वो मंसूबा बनाया था। इसको पाया कंदील तक पहुँचाने में मुलजम हकनवाज और वसीम ने अपना किरदार अदा किया। जो इंकशाफा सामने उसके मुताबिक मुलजमान ने यह भी इंकशाफ किया है के कत्ल की वारदात के वक्त इनके साथ जो है 5 दीगर सहूलतकार भी मौजूद थे जो घर के बाहर पहरा देते रहे। कत्ल की वारदात के वक्त 2 मुलजमान उनमें से जो है वो अब्दुल बासित और एक मुन्ना नाम बताया जा रहा है। उन 2 को भी तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है जबकि दीगर जो 3 मुलजमान है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जहीर अब्बास।